उदयपुर के जंगल में किसी आशियाने में टूनी और टूना रहते थे। एक दिन टूनी अपने घोंसले में दो अंडे दिए। अंडा देखकर टूनी और टूना बहुत खुश हुए। अरे वाह टूनी, तुमने तो कमाल ही कर दी। अब बहुत जल्द मैं पापा और तुम मम्मा बनने वाली हो। हाँ टूना जी, अब हमें बेसब्री से उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन इन प्यारे प्यारे अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आएंगे और मुझे मम्मा और आपको पापा कह के बुलाएंगे। हाँ टूनी, तुम इन अंडों की देखभाल करो, मैं जाकर भोजन लेकर आता हूँ। यह कहकर टूना भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। जाते जाते वह एक पेड़ की डाली से टकरा जाता है जिससे उसका सिर पर गहरी चोट लगने के कारण वह नीचे गिर जाता है और मर जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। पता नहीं आज टूना जी वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, इससे पहले तो इतनी देर कभी नहीं किए। ऐसा करती हूँ मैं जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर टूनी अपना पति टूना को ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ ही देर में वह उस जगह पर पहुंच जाती है जहां टूना गिरा पड़ा था। हे ईश्वर, ये क्या हो गया मेरे टूना को, अब मैं क्या करूं? टूना जी, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए? अगर मैंने यहां देर की तो मेरे अंडों को कोई चुरा लेगा, अब कर भी क्या सकती हूं? बाकी की जिंदगी अकेले ही जीना पड़ेगा। यह सोचकर टूनी वहां से अपने घोंसले में आ जाती है। उस दिन से टूनी अकेले भोजन की तलाश में जंगल जाती और वापस आकर अपने अंडों की रक्षा करती। टूनी के घोंसले से कुछ ही दूरी पर मधुमक्खियों का एक छत्ता था। उस छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां रहा करती थी, उसमें से एक रानी मधुमक्खी भी थी। सभी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी की आदेश का पालन करती थी। जब मधुमक्खियां शहद के लिए जाती तो टूनी चिड़िया उससे बातचीत करने के लिए उसके साथ साथ उड़ती। एक दिन मधुमक्खियां अपनी रानी से आकर बोलती है, रानी जब हम लोग शहद लाने जाते हैं तो टूनी भी हमारे साथ साथ जाती है। टूनी की कोई सहेली नहीं है ना, इसलिए वह तुम लोग मुझसे दोस्ती करना चाहती है। आज के बाद जब भी तुम लोगों की मुलाकात टूनी से हो तो तुम लोग उससे बातें करना, ठीक है? ठीक है महारानी। एक दिन टूनी एक पेड़ के नीचे सो रही थी, तभी वहां से कुछ मधुमक्खियां शहद लाने जा रही थी। लगता है टूनी उदास है, चलो उसके पास जाकर पूछते हैं। टूनी बहन, क्या हुआ है? बदमाश मधुमक्खियां, तुम लोग देख नहीं रहे हो कि मैं सोई हुई थी? हमें लगा आप उदास हैं। वैसे क्या हुआ बताइए ना, तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो मुझे बहन बोल रही हो, इतनी सी तो हो तुम लोग और मुझे बहन बोल रही हो। तुम लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम लोगों की बहन बनूंगी? मुझे नींद से जगाकर मुझे बहन बनाने की सोच रही हो? चलो यहाँ से। तब मधुमक्खियाँ वहाँ से अपने छत्ते में आकर अपनी रानी से बोलती है, रानी महारानी, टूनी आज हम लोगों से बुरा व्यवहार की है। क्यों, तुम लोगों ने पहले बुरा व्यवहार की होगी? नहीं रानी, टूनी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। हम लोगों ने सोचा कि टूनी उदास है, इसलिए हम लोगों ने जाकर उसकी हाल चाल पूछी तो वह गुस्सा हो गई। मुझे लगता है टूनी तुम लोगों के साथ जानबूझकर ये सब नहीं की, शायद वह पेड़ के नीचे सो रही थी और तुम लोगों ने उसकी नींद तोड़ दी, इसलिए वह गुस्सा हो गई। अगर कोई तुम्हें नींद से जगा दे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा ना, वैसे ही उसे भी प्रॉब्लम हुआ होगा। कुछ दिनों बाद टूनी के दोनों अंडों से दो बच्चे बाहर आए। आओ बच्चों, इस संसार में आप लोगों का स्वागत है। उस दिन से टूनी अपने बच्चों की देखरेख में लगी रहती। एक दिन टूनी अपने बच्चों के लिए भोजन लाने गई हुई थी। कुछ ही देर बाद अचानक टूनी का एक बच्चा घोंसले से नीचे गिर गया। वही आसपास में एक दुष्ट सियार भी रहता था। सियार की नजर टूनी के उस बच्चे पर पड़ी। अरे वाह, क्या मजे की बात है, सामने तो चिड़िया का बच्चा नजर आ रहा है। लगता है आज मेरा भाग खुल गया है। अब जाता हूँ और इसे पकड़कर आज का नाश्ता बनाता हूँ। यह कहकर सियार टूनी के बच्चा को मुंह में लेकर भागने लगा। तभी सियार को मधुमक्खियों की रानी देख लेती है। बहनों देखो, टूनी के बच्चों को असहाय पाकर सियार उसे अपना शिकार बनाना चाहता है। जाओ जाके सियार को सबक सिखाओ।
तब मधुमक्खियां जाकर उस सियार को डंक मारने लगती है। डंक के दर्द से सियार टोनी के बच्चे को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। कुछ ही देर बाद टोनी वहां आ जाती है। वहां आकर वह देखती है कि उसका बच्चा मधुमक्खियों के साथ खेल रहा है और दुष्ट सियार वहां से भागा जा रहा है। मेरा बच्चा यहाँ कैसे आया? आपके बच्चे को लेकर सियार भाग रहा था, हम लोगों ने उस पर हमला करके इसे बचा लिया, तभी से आपका बच्चा यहाँ खेल रहा है। आज अगर आप लोग ना होते तो न जाने मेरे बच्चे को क्या हुआ होता। आप लोगों ने मिलकर मेरे बच्चे की जान बचाई है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ गलत व्यवहार की थी। अगर आप लोग चाहते तो मेरे बच्चे की जान नहीं बचाते, लेकिन मेरे बच्चे की जान बचाकर आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि आप लोग ही मेरा सच्चा दोस्त हैं। उस दिन से मधुमक्खियां और टोनी के बीच दोस्ती हो गई और वे सभी एक ही पेड़ में मिलजुल कर रहने लगे। सहारनपुर के एक गांव में टोनी चिड़िया पिज्जा बनाने की एक छोटी सी दुकान चलाती थी। टोनी चिड़िया बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी की ब्रेड बनाया करती थी और उसी से पिज्जा बनाती थी। टोनी पिज्जा बेचकर घर का खर्च चलाया करती थी। टोनी के दुकान की पिज्जा पक्षियों को बहुत पसंद आता था, जिसकी वजह से उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सभी पक्षियां टोनी की तारीफ किया करते थे। टोनी के दुकान के सामने ही कालू कौवा की बेकरी की एक दुकान थी। कालू कौवा टोनी से बहुत जलता था। कुछ ही दिनों बाद कालू कौवा अपने बेकरी में इंटरनेशनल ब्रांड का पिज्जा बेचना शुरू कर दिया। कालू की दुकान अब बहुत ही बड़ी हो चुकी थी, जिससे टोनी की दुकान पर अब कम ग्राहक आने लगे थे। टोनी को अब घाटा होने लगा। हे भगवान, कितनी मुश्किल से मैं अपनी ये दुकान चलाती थी। घर में पिज्जा ब्रेड बनाती थी, घर में चीज बनाती थी और सब्जियां उगाकर ताजी ताजी सब्जियां पिज्जा में डालती थी। अब मेरा क्या होगा? एक दिन टोनी को दूध सप्लाई करने वाला हरिया तोता टोनी के पास आता है। अरे टोनी, क्या हो गया? तुम आजकल दूध का नया ऑर्डर नहीं कर रही हो। पहले तो इस मौसम में 10-10 लीटर दूध मंगवाती थी। क्या बताऊं हरिया चाचा, कालू की बड़ी दुकान के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो अपनी पिज्जा की दुकान बंद करने की सोच रही हूँ, कहीं और जाकर शहर में नौकरी कर लूंगी। अरे ऐसी बातें मत करो, कोई हमें कंपटीशन देगा तो हमें भी उसे कंपटीशन देना होगा। ऐसे हार मत मानो, ऐसे ही बहुत बार लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी और तुम हार मानकर कहाँ भागोगी। आप ठीक कह रहे हैं चाचा, लेकिन चाचा आपको तो अच्छी तरह मालूम है कि मैं कालू का सामना नहीं कर सकती, नहीं तो जल्द ही मेरा इतना नुकसान हो जाएगा कि मुझे फिर कर्ज लेना पड़ेगा और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। तुम इतना मत सोचो टोनी, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालता हूँ। मैंने सुना है कि यूरोप से एक नया चिकन आया है, पिंक चिकन। पिंक चिकन से बनने वाली सभी चीजें पूरी तरह से पिंक होती है और उसमें जरूरी मिनरल्स विटामिन भी होते हैं। अगर तुम उसका पिज्जा बनाओ तो मैं तुम्हें वह कम दाम में ला दूंगा और तुम उससे मुनाफा कमाना। हरिया की बातें सुनकर टोनी तैयार हो गई। फिर हरिया उसे पिंक चिकन लाकर देता है और फिर यूरोप से आई पिंक चिकन से टोनी यूरोपियन पिंक पिज्जा बनाती है। फिर टोनी हरिया को वह पिज्जा खिलाती है और पूछती है, हरिया चाचा आपको ये पिंक पिज्जा कैसा लगा? अरे वाह, ये तो लाजवाब पिंक पिज्जा है, मैंने तो ऐसा पिज्जा कभी नहीं खाया। यह कहकर हरिया वहां से चला गया और फिर टोनी चिड़िया यूरोपियन पिंक पिज्जा बेचने लगी और फिर से टोनी की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा हो गई और देखते ही देखते पूरे पिंक पिज्जा बिक गए। और उस दिन से हरिया टोनी को हर दिन पिंक चिकन सप्लाई करने लगा। टोनी पिंक पिज्जा बहुत ही कम दामों में बेचती थी, इसलिए कालू कौवा के इंटरनेशनल ब्रांड के बेकरी की दुकान अब ठप पड़ने लगी। टोनी के पिंक पिज्जा को अब बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे थे। देखते ही देखते वह बहुत अमीर बन गई। सभी लोग टोनी की पिज्जा को बड़े बड़े शादी और पार्टियों के लिए ऑर्डर कर रहे थे। फिर भी टोनी ने कभी भी अपने पिज्जा की दाम नहीं बढ़ाई, इसलिए गरीब से गरीब लोग भी उसके पिंक पिज्जा को खा सकते थे।
एक दिन न्यूज चैनल वाले उसकी दुकान पर वीडियो शूट करने के लिए आते हैं, जिससे टूनी और भी प्रसिद्ध होने लगी। इस तरह टूनी चिड़िया अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगी। किसी जंगल में टूनी नाम की एक खूबसूरत चिड़िया रह रही थी। वह पूरा दिन अपने घोंसले की देखभाल करती रहती। टूनी चिड़िया बहुत ही परिश्रमी चिड़िया थी। वह जंगलों में भोजन की तलाश में घूमती रहती। उसी जंगल में एक बंदर भी रह रहा था। वह हमेशा जंगल में घूमता रहता और खा पी कर आराम से सोया रहता। एक दिन बंदर टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, मैं देखता हूँ कि तुम हमेशा किसी ना किसी काम में लगी रहती हो, तो मेरी तरह मस्ती भी तो कर सकती हो। दरअसल बात यह है बंदर भाई कि अब कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम आ जाएगा, इसलिए मैं खाने के लिए भोजन और रहने के लिए घोंसले की मरम्मत कर रही हूँ, ताकि बरसात के दिनों में ना ही मुझे भूखा रहना पड़े और ना ही बारिश में भीगना पड़े। आप भी अपने घोंसले की मरम्मत कर लीजिए, बरसात का मौसम जल्द आने वाला है। कुछ नहीं आने वाली, और अगर बरसात का मौसम आ ही जाए तब देख लूँगा, अभी तो मेरी इंजॉय करने का समय है। दूसरे दिन टूनी भोजन की तलाश में जा रही थी। जाते जाते उसकी मुलाकात कालू कौवा से होती है। क्या रे टूनी, कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं भोजन लाने जा रही हूँ। मैं देख पा रहा हूँ टूनी कि तुम आजकल हद से ज्यादा परिश्रम कर रही हो। तुम्हें तो मालूम ही है कालू भाई कि बरसात के मौसम में भोजन ढूंढ पाना कितना मुश्किल होता है, इसलिए मैं अभी भोजन जमा कर रही हूँ। बात तो तुम ठीक कर रही हो टूनी, पर तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला बंदर तो पूरा दिन मौज मस्ती में रहता है। वह कहाँ भोजन जमा कर रहा है, वह तो सिर्फ खाता है और सोया रहता है, पर तुम बहुत मेहनत कर रही हो। कालू भाई, मैंने उसे अनेक बार समझाई पर वह समझ ही नहीं रहा। ना समझ को समझाना भी बेकार है टूनी। ठीक है टूनी, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलकर बात करेंगे। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ बंदर की मुलाकात एक सियार से होता है। क्या बंदर भाई, आजकल तो आप बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं। अरे यार, अब मौज मस्ती कहाँ रही पहले की तरह। मेरे पड़ोस में एक टूनी चिड़िया रहती है, वह मुझे हमेशा ज्ञान देती रहती है। उसकी वजह से मैं चैन से ना सो पा रहा हूँ और ना ही चैन से रह पा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ यार। मैंने आपसे कई बार कहा था कि उस टूनी को मेरे हत्थे लगा दो, मैं उसका कचूमर बना दूंगा। मैंने बहुत दिनों से किसी पक्षी का मांस भी नहीं खाया है। टूनी बहुत होशियार चिड़िया है सियार भाई, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। मुझसे इतना कठिन काम नहीं हो पाएगा। समझ गया, तुम इतना आलसी हो, तुमसे टूनी को नहीं पकड़ा जा सकता। कुछ ही दिनों बाद बरसात का मौसम आ जाता है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। इधर टूनी अपने घोंसले में आराम से बैठी रहती है और बारिश में भीगने के कारण बंदर ठंड से कांपने लगता है। देखा बंदर भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि घोंसला बना लीजिए, बरसात का मौसम आने वाला है, पर आपने मेरी एक ना मानी। अगर आप मेरी बातें मानकर घोंसला बना लिए होते तो आज इस तरह बारिश में भीगना नहीं पड़ता। अब लीजिए मजा और कांपते रहिए ठंड में। टूनी की ऐसी बातें सुनकर बंदर को गुस्सा आ जाता है और वह छलांग कर उसके पास जाता है और टूनी के घोंसले को नीचे गिरा देता है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मेरा यह घोंसला तोड़ दिया? शिक्षा, ना समझ को समझाने की कोशिश ना करें, नहीं तो अपना ही नुकसान हो सकता है। बहुत पहले की बात है, स्वर्णपुर गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में पक्षियों का एक बसेरा था। उसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी मुन्नी चिड़िया के साथ रह रही थी। टूनी की बेटी मुन्नी बहुत छोटी थी, इसलिए वह उड़ नहीं पा रही थी। टूनी हर रोज सुबह भोजन की तलाश में निकल जाती और खुद भोजन खाकर शाम को अपनी बेटी के लिए कुछ भोजन लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती। जिस दिन टूनी को भोजन नहीं मिलता, उस दिन दोनों भूखे ही रह जाती। अचानक एक दिन टूनी के घोंसले के आसपास दो शिकारी पक्षी आ गया। ओ देखो भाई, कितनी खूबसूरत दो पक्षियां हैं। अगर दोनों को पकड़ लिया तो इन्हें बेचकर बहुत ज्यादा रुपये मिलेंगे।
वो तो ठीक है, पर इसे पकड़ेंगे कैसे? इस पर अगर तीर चलाया तो यह मर जाएगा और मरा हुआ पक्षी कोई खरीदेगा नहीं। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर इसे पकड़ूं कैसे? अगर पकड़ने की कोशिश की तो यह उड़कर भाग जाएगी। मेरे पास एक उपाय है इसे पकड़ने का। कैसा उपाय? जल्दी बोलो ना। अभी हम लोग चलो दूसरा शिकार करते हैं, रात में आकर चुपके से इसे पकड़ लेंगे। ठीक है, तब हम लोग रात ही में आएंगे। यह कहकर वहां से दोनों शिकारी पक्षियां चला जाता है। शिकारी पक्षियों की बातें सुनकर टूनी डर जाती है और बोलती है, हे ईश्वर, हमें किस विपत्ति में डाल दिया तूने? अब शिकारी पक्षी तो रात में आकर हम दोनों को पकड़ कर ले जाएगा। अब हम क्या करें ईश्वर? मेरे बच्चे, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। हमें यह जंगल छोड़कर दूर, बहुत दूर, किसी दूसरे जंगल में बसना होगा। यह कहकर दोनों चिड़िया वह जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में आ जाती है। इस जंगल में कोई भी शिकारी पक्षी नहीं था। वहां जाने के कुछ ही देर के बाद उन दोनों को एक परी दिखाई देता है। फिर वह परी टूनी से बोलती है, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने तो आज से पहले आप लोगों को इस जंगल में कभी नहीं देखा। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, आप हमें पहचान नहीं पाएंगे। आज से हम लोग इसी जंगल में रहेंगे। और आप कौन हैं? और आप उधर कहां जा रहे हैं? मैं एक मायावी परी हूँ और मैं नदी में पानी पीने जा रही हूँ। जब तक मैं नदी का पानी नहीं पीऊँ, मेरी प्यास नहीं बुझती। यह कहकर मायावी परी वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। पूरी रात बारिश होती रही, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश ना रुकने के कारण टूनी चिड़िया भोजन लाने बाहर नहीं जा पा रही थी। दो दिन हो गए थे, फिर भी बारिश नहीं रुक रही थी। तब टूनी का बच्चा बोलता है, माँ, बहुत भूख लग रही है, लगता है अब भूख से मर जाऊंगा। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है माँ। अपने बच्चे की बातें सुनकर टूनी रोने लगती है। तभी वहाँ से वही मायावी परी गुजर रही थी। टूनी को रोते देखकर परी टूनी से पूछती है, क्या हुआ है टूनी, आप क्यों रो रहे हैं? मैं और मेरा बच्चा दो दिनों से भूखे हैं और कुछ देर तक खाना ना मिला तो यह मेरा बच्चा मर जाएगा। बारिश के कारण मैं कहीं से भोजन भी नहीं ला पा रही हूँ। टूनी की ऐसी बातें सुनकर परी बोलती है, आप मेरे साथ चलिए, परी रात में बारिश नहीं हो रही है, आप वहाँ से भोजन ला सकते हैं। तब टूनी उस परी के साथ जाती है और परी राज से भोजन लाकर खुद भी खाती है और अपने बच्चे को भी खिलाती है। इस तरह टूनी की कठिनाई दूर हो जाती है।